तो डाउनटाउन की ये वो गलियां हैं जहां चुनावों से पहले एक अजब सी शांति हुआ करती थी, सन्नाटा हुआ करता था, दहशत और डर हुआ करता था। यहां पर महीनों तक बंद की कॉल की जाती थी, सबसे ज्यादा पत्थरबाजियां यहीं पर होती थी और यहीं पर सबसे ज्यादा संवेदनशील पोलिंग बूथ भी माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हम पहुंचे हैं कैसे ही पोलिंग स्टेशन पर। ये इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स है जिसे एक मतदान केंद्र बनाया गया है और माना यह जा रहा है कि कल भारी संख्या में यहां पर लोग आएंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे। जो एक नैरेटिव था कि श्रीनगर में, कश्मीर में 5 से 7% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है, इस बार उस धारणा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस आंकड़े को बदलने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से बात की जाए, चाहे प्रशासन की तरफ से बात की जाए, हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलें और मतदान करें, खासतौर पर इस डाउनटाउन के उस इलाके से जो बेहद संवेदनशील खासतौर पर चुनावों के दौरान माना जाता था। मुश्ताक लटरम, यासिन मलिक, ये वो तमाम नाम हैं। जब चुनावों का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं इनका डर, इनकी दहशत हमेशा से चुनावों पर हावी रही है। मुश्ताक लटरम जब चुनाव होते थे तो हाथ में दो दो गन्स लेकर निकलता था और लोगों को दहशत और डर के साय में जीने को लोगों को मजबूर होना पड़ता था। और आज हम उन्हीं गलियों में पहुंचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर किस तरह के हालात हैं। यकीन मानिए, अगर मैं यहां खड़े होकर ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा पा रही हूं तो हालातों में बदलाव तो आया है। अब उम्मीद की जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलें और अपना मत का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और सिर्फ प्रशासन की तरफ से ही नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही नहीं, बल्कि यहां की आम जनता ने भी इस बार मूड बनाया है कि वो मतदान करेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे और अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम यहां पर लंबे समय से है, उसे खत्म करने का मन यहां के लोगों ने मनाया है। आप देख सकते हैं ये डाउनटाउन का पूरा इलाका है, डाउनटाउन की ये गलियां हैं। जब श्रीनगर में डाउनटाउन का जिक्र होता है तो उसके साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है और वो इतिहास विवादित है। 1987 के वो चुनाव जिसका क्लोजर आज तक यहाँ के लोगों को नहीं मिला और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी ने ये कोशिश की कि 1987 के उन विवादित चुनावों को एक क्लोजर दिया जाए, उस चैप्टर को खत्म किया जाए और एक नए सिरे से विकास से, एम्प्लॉयमेंट से, एक अलग तरह का जो विकास है या फिर एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो लोगों के मूलभूत मुद्दे हैं उनसे जोड़ने की कोशिश आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने खुले तौर पर नहीं की है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि कल जनता का दिन है और डाउनटाउन की जनता से भी उम्मीद की जा रही है कि जहां चुनावों के दौरान सन्नाटा, डर और दहशत हुआ करती थी, वहां पर आज हालात बदलें और लोग घरों से बाहर निकलें। और न्यूज 18 भी ये अपील कर रहा है कि ये एक मौका ऐसा है कि आप अगर अपने लिए बदलाव चाहते हैं तो घरों से बाहर निकलें और बढ़ चढ़कर मतदान करें, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें।